मेरे तो जब YouTube पे कोई भी ट्रेंड चलता है तो अगर यूट्यूबर उस ट्रेंड को पकड़ता है तो वो सक्सेस होता है, वो जल्दी से व्यूज बटोर पाता है। जैसे एग्जांपल मैं आपको कुछ इस तरीके से समझूं, अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं, ठीक है, तो आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान समझिए। मैं आपको एक कहानी की तरह समझाता हूं। जब गांव में मेला लगता है, ठीक है, तो मेले में जो बड़े दुकानदार होते हैं वो भी खुश होते हैं, जो छोटे दुकानदार होते हैं वो भी खुश होते हैं, क्योंकि पब्लिक उनके पास आती है। मेले में लोग आते हैं, वो खरीदारी करते हैं, उससे क्या है, बड़ा सा बड़ा दुकानदार छोटा सा छोटा दुकानदार पैसे कमाता है। लेकिन मेले में पैसा वही कमाएगा जो अपना दुकान खोलकर उस मेले में बैठेगा। अब जो मेला छोड़ के 15 किलोमीटर दूर अकेले खेत में बैठा है तो फूटी कौड़ी नहीं कमाएगा। ठीक इसी प्रकार जब यूट्यूब पे कोई ट्रेंड चलता है तो एक यूट्यूबर को चाहिए कि उस पर वो वीडियो बनाए, और अगर उस ट्रेंड पर वीडियो बना लेता है तो उसको व्यूज आना तय है, और जब वो वीडियो नहीं बना पाता तो व्यूज नहीं आता। तो अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो कमेंट में यस या नो करके कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं, मैं आपको एक जो अभी यूट्यूबर है बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं, ध्रुव राठी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, कुछ ही दिन पहले की खबर है। कैसे आप ध्रुव राठी के ऊपर वीडियो बनाकर व्यूज बटोर सकते हो? अब देखो, यहाँ पर मैं किसी को हेट फैलाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, न किसी को सपोर्ट करने के लिए बोल रहा हूँ। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं क्लियर ही बता दे रहा हूँ, मेरा मकसद केवल एक चीज होता है, आप लोगों को वो चीज बताना जिससे आप पैसे कमा सको। मेरा मकसद होता है आप लोगों को वो चीज देना जिससे आपका चैनल ग्रो होगा, बाकी दुनियादारी से हमको फर्क नहीं पड़ता। अब ये मत समझना कि हम ध्रुव राठी के साथ हैं या फिर ध्रुव राठी के खिलाफ हैं, ठीक है, हमको किसी से कुछ मतलब नहीं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे आप उन पर वीडियो बनाओगे। जैसे आप देखो ट्रेंड देखो, ध्रुव राठी ने देखा अभी टाइम इलेक्शन चल रहा है, तो इन्होंने जो मोदी के ऊपर वीडियो बनाना शुरू किया, जो हमारे मौजूदा सरकार है उसके ऊपर वीडियो बनाना शुरू किए, ठीक है, बीजेपी के ऊपर वीडियो बनाना शुरू किए, तो वहां पर क्या मामला गर्म है, हर किसी को जानना है, हर किसी को कुछ यूनिक देखना है। देखो जाहिर सी बात है, जो पक्ष में होता है तो विपक्ष उसकी बुराई करता है, और जब ये विपक्ष उसी पक्ष में हो जाएगा तो सेम काम वही रहेगा, लेकिन पक्ष वाले उसकी बुराई करते ही करते हैं। ये हर पार्टी का नियम है, जरूरी नहीं है कि यार केवल बीजेपी का बुराई कांग्रेस कर रहा है, कांग्रेस की बुराई बीजेपी करेगी, ठीक है। तो यहां पर ट्रेंड का फायदा उठाया ध्रुव राठी ने। ध्रुव राठी ने जब डिक्टेटरशिप वाली वीडियो बनाई तो भाई जो जो मोदी के चाहने वाले थे वो भी वीडियो देखें, जो मोदी के खिलाफ थे वो तो और ज्यादा वीडियो देखें। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको अपने कंटेंट से मतलब होना चाहिए, फालतू का राजनीति से मतलब नहीं है अपने को, ठीक। आप यूट्यूबर हैं तो आप सोचो कि कैसे अब हम ध्रुव राठी को यूज करके हम व्यूज बटोर सकते हैं, और बहुत सारे लोग ये कर भी रहे हैं। कौन कर रहा है, जैसे यहाँ पर आप देखो कुछ वीडियो, जिन्होंने नॉर्मल वीडियो बनाया उनकी वीडियो पे नॉर्मल व्यूज थे, लेकिन जिन्होंने ध्रुव राठी के ऊपर वीडियो बनाया उनके ऊपर बहुत ज्यादा व्यूज आया, उनके मौजूदा व्यूज से ज्यादा व्यूज आया, ठीक है। अब देखो आपको करना कैसा, नहीं कि आप ध्रुव राठी को लगो धड़ाधड़ कुछ भी वीडियो बना दो व्यूज के चक्कर में, ना, ये याद रखो, अगर आपका चैनल एजुकेशनल है, अगर आपका चैनल नया है, आप सोच रहे हो कि हम किस कंटेंट पे काम करें, हम किस फील्ड में अपने चैनल को ले जाएं, तो अभी मौका है। अगर एजुकेशन में आप जाना चाहते हो तो अभी मौका है, पकड़ लो। पकड़ना कैसे, ध्रुव राठी को यूज कैसे करना है। अब देखो मेरा एक ओपिनियन लोगे तो मैं ध्रुव राठी को ज्यादा, मतलब कि ध्रुव राठी के अंदर एक खास बात है कि वो बंदा किसी भी चीज को एकदम सही नहीं बताता और झूठ भी नहीं बताता, मतलब समझो जो अपना तर्क बतर्क नहीं कर सकते वो ब्लाइंडली ध्रुव राठी के ऊपर भरोसा करेंगे। हाँ भाई सही बोल रहा है, हाँ बंदा सही बोल रहा है, हाँ बंदा सही बोल रहा है, वो ब्लाइंडली मतलब कि एकदम आंख मूंद के भरोसा करेंगे, हाँ ध्रुव राठी सही बोल रहा है, उसने फैक्ट दिखाया था, भले फैक्ट आधा अधूरा है कैसा है उससे मतलब नहीं है। कुछ चीजें ध्रुव राठी सही चीज दिखाता है, कुछ चीजें उसमें आदित्य दिखाकर, भाई देखो यूट्यूबर है उसको कॉन्टेंट बनाना आता है, अगर कॉन्टेंट बनाने पर वो आ गया तो कॉन्टेंट निकाल ही लेगा, ठीक है। लेकिन जो फैक्ट जानता है, जो तर्क कतर जानता है, तो वो आधी वीडियो देखता है, आधा अर्थ समझता है, आधा ये भी देखता है कि कहाँ ध्रुव राठी गलत है कहाँ सही बोल रहा है, तो जिसको तर्क वितर्क करना आता है वो कर लेता है। लेकिन जिसके पास टाइम नहीं है, फिर जो रिसर्च नहीं करना है जिसे, या फिर जिसे तर्क वितर्क नहीं करना, वो ब्लाइंडली फोकस कर लेता है, नहीं नहीं ध्रुव राठी एकदम सही बता रहा है। तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, आप ध्रुव राठी जहाँ गलत बोल रहा है उस पर वीडियो बना सकते हो, जहाँ सही बोल रहे हैं उस पर वीडियो बना सकते हो। ऐसा नहीं पूरी वीडियो बेकार है, वीडियो में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होता है ना भाई, जब कोई पक्ष में है तो कोई विपक्ष में रहेगा, जो विपक्ष वाला है तो थोड़ी ना तारीफ करेगा, ठीक है, ऐसा समझो। जैसे एग्जांपल में अभी मैं अपना बताऊं तो आप, मैंने ये ध्रुव राठी के ऊपर वीडियो बनाया, थंबनेल देकर आप भी आए तो मेरे को व्यूज मिला, मैं अपने कैटेगरी के अनुसार कॉन्टेंट निकाल लिया ना ध्रुव राठी पे, अब ये व्यूज कम है ज्यादा ये मैटर नहीं करता, ठीक है। तो मैंने अपने कैटेगरी के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार एक ध्रुव राठी से मैंने कंटेंट निकाला, तो ठीक इसी प्रकार अगर आप भी कंटेंट निकालने पे आ जाओगे तो ध्रुव राठी की वीडियो से बहुत सारा कंटेंट निकालोगे। अगर इतने टाइम आप ध्रुव राठी के ऊपर वीडियो बनाते हो केवल इस चीज में, जैसे कोई भी अगर गलत चीज बता दी है, हमेशा ध्रुव राठी क्या करता है, एक आर्टिकल दिखाते हैं उसके आगे पीछे की कहानी नहीं बताते,
बहुत सारे यूट्यूबर आगे पीछे की कहानी बता देते हैं, जिसे दुर्गाटी को कोई लोग एक्सपोज भी कर लेते हैं या फिर कोई दुर्गाटी को कुछ भी कर लेता है, तो उस पर उनकी चैनल पे भी ज्यादा व्यूज आता है। सिंपल ऑडियंस जिसको तर्क वितर्क करना आता है उसके लिए तो फिर भी ये सेंस बना लेता है, लेकिन वो लोग जो ध्रुव को माइंडलेसली फॉलो करते हैं उनके लिए बहुत नुकसानदायक है। ठीक है, किसी चीज पर भरोसा करो ब्लाइंडली नहीं। जैसे एग्जांपल में देखो, मैं एक अभी मेरे से पूछोगे आप ध्रुव राठी की वीडियो देखते हो कि नहीं देखता, देखो मैं देखता हूँ लेकिन बहुत कम ही देखता हूँ। ठीक है, क्योंकि एग्जांपल में देखो अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं ध्रुव राठी डिक्टेटरशिप का डर है यहाँ पर। अगर अब नहीं बोला तो जब एक्चुअल डिक्टेटरशिप बन जाएगा ना देश, तब लेट हो जाएगा बोल। अच्छी बात है, जो जो उसने चीजें बंदे ने बताया है बहुत हद तक सही भी बताया है। ठीक है, भैया नहीं कह रहा हूँ एकदम से गलत बताया, और ये भी नहीं कह रहा हूँ एकदम से सही बताया, लेकिन आपको याद होगा जब कोरोना आने वाला था तो ध्रुव राठी ने कुछ ऐसी भी वीडियो बनाई थी। चाइना से बाहर रहने वाले लोगों के लिए मेरी राय में कोई घबराने की बात नहीं है, प्रिकॉशंस मेंटेन करके रखिए, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस मीडिया की तरफ से इतनी फियर मॉन्गरिंग फैलाई जा रही है, डर का माहौल बनाया जा रहा है कि देखो क्या एक नया वायरस आ गया, जैसे कि कोई ज़ॉम्बी एपोकलिप्स आ गया। इतना कुछ नहीं हुआ जैसा मैंने आपको बताया इस वीडियो में। इनके मुताबिक चाइना में ही कोरोना है, बाकी और कहीं नहीं, वो मीडिया जो हाई हल्ला कर रहा है। ठीक है, अब सोचो अगर हम या कोई बंदा जो तर्क वितर्क नहीं करता, अगर वो भरोसा कर लेता हाँ यार केवल चाइना में ही है, अपने इंडिया में नहीं है कोरोना, तो शायद आपके सेल्फी पे लाइक नहीं आज आपके फोटो पे हार छड़े होते हैं। ठीक है, हमारे भी यही होता। ठीक, तो किसी चीज पे ब्लाइंडली मत करो, क्योंकि ध्रुव राठी ने भी बाद में ये माना, वो भी वीडियो बनाना शुरू कर, भाई एक यूट्यूबर है तो वीडियो बनाएगा ही नहीं, उसको थोड़ी दुनिया मतलब है क्या आए कोरोना जाए कोई ना कोरोना क्या मतलब है। 19 इटली में इतनी बड़ी क्राइसिस बन गया, वहां पर सरकार प्रिपेयर्ड नहीं थी, नंबर ऑफ इन्फेक्टेड लोग इतनी तेजी से बढ़े कि हॉस्पिटल्स में जगह कम पड़ गई, हॉस्पिटल बेड्स नहीं थे वहां पर। आज के दिन इतनी बुरी हालत है कि डॉक्टर्स को सोचना पड़ रहा है कि पहले मैं इस पेशेंट को देखूं या उस पेशेंट को देखूं, मेरे पास तो एक ही हॉस्पिटल बेड है। एक वीडियो बनाया भाई ने कि भाई केवल चाइना में ही कोरोना है, दूसरी वीडियो बना भाई जिसमें ये बोलने लगे, तब सोचो अगर आप ब्लाइंडली वहां पर आप फोकस कर लेते, भरोसा कर लेते, नहीं ध्रुव राठी सही बता रहे कि चाइना में ही कोरोना, तो साथ आप टपक गए होते। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ताकि मैं इस फील्ड में नहीं हूं, एजुकेशन वाले फील्ड में नहीं हूं, ठीक, मैं केवल पॉडकास्ट लेता हूं, मगर मैं रिसर्च करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं उन सब चीजों के बारे में, ध्रुव राठी के बारे में। तो अगर आप ऐसा कॉन्टेंट बनाना चाहते हो तो अभी मौका है, ध्रुव राठी के ऊपर वीडियो बनाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बुराई करो, पूरा पहुंच जाओ पूरा ये करने, जो अच्छाई चीज है वो अच्छाई भी दिखाओ, जो गलत है वो गलत भी दिखाओ। आप इंडिपेंडेंट हो यार, किसी के गुलाम नहीं हो। ठीक, हमको व्यूज से मतलब है, लेकिन व्यूज के लिए खुद को नहीं बेचना, अपनी जमीर को नहीं बेच देना। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं तो इस पर वीडियो बनाओ, बहुत ऐसे फैक्ट हैं जो ध्रुव राठी से आप निकाल सकते हो, उनकी वीडियो को आप देखोगे, रिसर्च करोगे, जो पॉइंट उन्होंने बताया बस उस पॉइंट को भी आप सर्च करोगे गूगल पे, देखो पता चल जाएगा हाँ ध्रुव राठी कहाँ सही बोल रहे हैं कहाँ गलत बोल रहे हैं, कहाँ पर आपको कंटेंट मिल सकता है कहाँ पर कंटेंट नहीं मिल सकता। कंटेंट आपको बनाया बनाया मिलता नहीं, ये याद रखना, कंटेंट आपको हमेशा निकालना पड़ता है। जैसे मैंने एग्जांपल बता दिया ना कि अब देखो मैं एक कंटेंट निकाल के वीडियो बना दी, आप भी ध्रुव राठी की वीडियो देखोगे, जो चीज़ें सही है भाई उस पर भी वीडियो बनाओ, जो चीज़ें गलत है उस पर भी वीडियो बनाओ, लेकिन तब जब आपका तर्क कुतर्क करने का माइंड हो तब। अभी ब्लाइंडली एकदम आंख मुद मत का जो भैया बोल रहे हैं एकदम सही है, आप भी वो चापने लगो तो शायद लोग आपको उतना भाव ही नहीं देंगे। जब तक आप किसी सामने पर जब वीडियो बना रहे हो, जब तक आप उस पर गहरी रिसर्च करके बात नहीं करोगे, इसलिए देखोगे जो भी जैसे नीतीश राजपूत हैं, ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो फैक्ट से रिलेटेड वीडियो बात करते हैं, वो अपनी आर्टिकल जरूर दिखाते हैं, क्योंकि उससे एक ट्रस्ट बन जाता है, हाँ बंदे ने रिसर्च किया होगा, भले आर्टिकल क्या है कोई मतलब नहीं है, कोई पढ़ने नहीं जाता किस कंपनी का है, किस वेबसाइट का है, किस चैनल ने दिया, किस रिपोर्टर ने दिया, कोई मतलब नहीं पड़ता, बस सुन लिया हाँ यह सही है। तो इससे सबकॉन्शियस को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए आप जब भी कोई चीज बताओ एक प्रूफ के साथ दिखाओ कि भाई ध्रुव राठी ने जो बोला है ये चीजें हैं, जो बोला है गलत ये यहाँ से निकल के आई है, जो सही बोला है यहाँ से निकल के आई है। आपको देखो आप एक नई ऑडियंस बिल्ड करोगे, आप उस नई ऑडियंस से अच्छा खासा चैनल ग्रो करोगे और पैसे कमाओगे। तो आई होप वीडियो समझ में आ गई होगी, बाकी चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।